भोजपुरी फिल्मों की हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह ने दे दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक ताजा बयान, जो कि सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा रहा है। आखिरकार अक्षरा सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हां, इस बार अक्षरा सिंह ने बिहार विधानसभा में जमकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। हालांकि अक्षरा सिंह ने चुनाव प्रचार किया वो भी अलग पार्टी के लिए, लेकिन लास्ट दिन में उन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं विनय आनंद को काफी ज्यादा फायदा हो गया। जी हां, बिहार विधानसभा में विनय आनंद के लिए अक्षरा सिंह ने रोड शो किया और वो कहीं ना कहीं विनय आनंद वो अपनी सीट जीत चुके हैं। और अब एक बार फिर से बिहार के जो मुख्यमंत्री सातवीं बार नीतीश कुमार बनाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने दिया है ताजा बयान। जी हां, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नीतीश कुमार को लेकर लिखा है कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से जो प्रधान मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा कदम है और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाने पर उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी हां, जिसके बाद यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा रहा है। हालांकि अक्षरा सिंह के कुछ फैंस काफी ज्यादा इससे नाराज भी हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह ने जेबीपी के पार्टी यानी कि अनिल कुमार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दो दिन हेलीकॉप्टर से रैली भी किया था, लेकिन उसके समर्थक काफी ज्यादा नाराज है। तो वही जेडीयू और एनडीए यानी कि बीजेपी के समर्थक इसे भारी मात्रा में लोग रीट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के अक्षरा सिंह की प्रतिक्रिया पर काफी ज्यादा जवाब देखने को सोशल मीडिया पर मिल रहा है। क्या कहना है अक्षरा सिंह के इस मुख्यमंत्री वाले बयान पर? जी हां, नीतीश कुमार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बयान को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।